सो वी आर गोइंग टू डू दिस पोयम हॉन्टेड हाउस एच डब्ल्यू लॉन्ग फेलो, ठीक है, ट्रेजर चेस्ट का, तुम लोग का आईसीसी का सिलेबस का ये फर्स्ट पोयम है, एंड फॉर अ चेंज एक अच्छी पोयम है। हम लोग बहुत सालों से एक ही पोयम को रिपीट कर रहे थे और अब तो तुम लोग का इस साल सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है, तो अच्छा है, न्यू चेंज। नाउ हॉन्टेड वर्ड सुन के कैसा लग रहा है तुम लोग को? यू नो व्हाट इज हॉन्टेड जूली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यस वर्ड हॉन्टेड? सर, फियर हाँ, व्हाट, आई डिडंट गेट यू। समथिंग समथिंग फियरफुल, फियरफुल, हॉन्टेड इज फियरफुल, ओके। हॉन्टेड इज समथिंग विच इज इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट्स, प्रेजेंस ऑफ घोस्ट, है ना? तो जो जो रूम में बैठे हैं और जिनके पीछे खिड़की है बंद कर लो, कहीं पीछे से आना जाए कोई घोस्ट, ओके। नासिर देख रहा पीछे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये एरी पोएम है, यू नो व्हाट इज एरी? एरी इज डेंजरस, ठीक है, थोड़ा सा डरावना। बट यू शुड बी हैप्पी कि ये जो हॉन्टेड हाउस है ये डरावना हाउस नहीं है, ये जो घोस्ट है ये फ्रेंडली नेबरहुड घोस्ट है, ठीक है, ये आपके दोस्त हैं। ये जो घोस्ट है इस पोएम में, ये आपके दोस्त हैं। टू पुट इट मोस्ट सर्टली, ये दोस्त नहीं है, ये लोग आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। मतलब ये लोग वो लोग हैं जो किसी जमाने में आपके घर में ही रहते थे, या हम ये बोल सकते हैं शायद आप अब उनके घर में रहते हो, समझ आ गया? सो दीज आर द घोस्ट ऑफ योर मे बी पेरेंट्स, मे बी ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, जो जिनका ये प्रॉपर्टी है और जिसको आज आप इनहैबिट कर रहे हो, ठीक है। कल आप भी इसी प्रॉपर्टी में होंगे, ठीक है, और आप भी इस घर के संग रिलेट कर पाएंगे, अंडरस्टूड? तो दीज आर फ्रेंडली घोस्ट, बेसिकली बोल सकते हैं दीज आर द घोस्ट हु आर योर ओन रिलेटिव्स, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा मधुर? तो डरने का बात नहीं है नासिर, पीछे से कोई नहीं आने वाला, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल हाउसेस, ठीक है, आई शेयर विथ यू द लाइंस ऑफ द पोएम एंड द मीनिंग आल्सो, जिससे पढ़ाने में थोड़ा सा आसानी हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में बोल रहा है, ऑल हाउसेस वेर इन मेन हैव लिव्ड एंड डाइड आर हॉन्टेड हाउस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हर घर जहां पर कोई इंसान रहा है, लिव किया है, और जहां पर उनकी डेथ हुई है, वो एक हॉन्टेड हाउस होता है। माने प्रैक्टिकली सेइंग कि सारा घर, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी घर आर हॉन्टेड, अंडरस्टूड? सो हर घर में घोस्ट है, ठीक है, समझ मारी बात को? तो ईच एंड एवरी, वैसे तो देखा जाए तो इतना हम लोग तो अभी जस्ट बॉर्न हुए हैं इसी सेंचुरी में, है ना? हम लोग से पहले कितने लोग यहाँ पर आए हों, कितने लोग की डेथ होगी हो, जिस जमीन में आज हमारा घर है, हो सकता है पहले वहां पे किसी और का कुछ घर रहा होगा, है ना, वो लोग वहीं पे रहते होंगे। हो सकता है कि हमारा जहाँ घर है वहां पर बहुत सारे बरियल हुए होंगे नीचे, है ना, जहाँ पे हमारा घर है वहां पे बहुतों जन की डेथ हुई होगी, उसके ऊपर हम लोग ने घर बना लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो पास्ट में यहाँ पर लोग रहते होंगे उनकी जो स्पिरिट है वो तो आज भी वही होगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे पोएट ने पहली लाइन में बोल दिया कि ऑल हाउसेस वेर इन मेन हैव लिव्ड एंड डाइड आर हॉन्टेड हाउस। इसका मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारा घर जो है वो हॉन्टेड हाउस है, ठीक है। देयर आर ओपन डोर्स, द हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर एरेंट्स ग्लाइड, ठीक है। तो बोल रहा है हर घर में जो ओपन डोर है, जैसे हर घर में एक गेट होता है, और हार्मलेस फैंटम्स, फैंटम्स का मतलब हो गया घोस्ट या स्पिरिट्स है, एरेंट्स का मतलब हो गया डेली टास्क, ठीक है, ग्लाइड का मतलब दे आर मूविंग फ्रीली इन द एयर, दे आर फ्लोटिंग इन द एयर, ओके। तो बोल रहा है कि ये जितने भी घोस्ट हैं, ये लोग जब घर का दरवाजा खुलता है, ठीक है, खुला हुआ दरवाजा से, ठीक है, ये लोग डोरवेज में आते जाते रहते हैं, ऐसा लगता है ये लोग अभी वहां पर नहीं है, पर ये लोग भी अपना डेली काम करते हैं, सुबह उठते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, अपना वॉशरूम यूज करते हैं, वो अपने आप को फ्रेश करते हैं, वो लोग ब्रश करते हैं, उनका आदत है, वहां पर रहते थे पहले, ठीक है। तो वो लोग एकदम साइलेंटली और हार्मलेसली अपना काम करते रहते हैं और अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते रहते हैं और इस घर में घूमते रहते हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके, विद फीट दैट मेक नो साउंड अपॉन द फ्लोर्स, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है उनके जो पैर हैं, उनके जो फुट स्टेप्स है, बिकॉज दे आर एयर नाउ, बिकॉज दे आर स्पिरिट्स नाउ, ऑब्वियसली उसका कोई भी नॉइस नहीं होता है, वो जब भी पूरे फ्लोर पे घूमते हैं एकदम नॉइजलेस होता है, ठीक है, इसी के लिए हम लोग को उनका प्रेजेंस का पता भी नहीं चलता। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह है कि जूली एंड मधुर एंड नासिर, तुम्हारे जो घर में, अगर ये तुम्हारे दादा दादी का घर होगा, तो उनकी भी स्पिरिट्स जो है वो तुम्हारे घर में घूम रही है, ठीक है,
आप देख लो भाई किसके दादा दादी रहते थे तुम लोग के घर में भाई मधुर, वे आर योर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड फादर मदर वे आर दे द सेम हाउस? नो सर, चलो बच गया तुम। जूली व्हाट अबाउट यू? मेरे सारे दादा दादी अभी तक अलाइव है। सब अलाइव है, वाह बढ़िया है। नासिर, नो सर, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सब लोग को नए घर में रहना चाहिए, कि पुराने घर में रहोगे तो वहां पे कहीं ना कहीं स्पिरिट्स के संग भी तुम्हारा एनकाउंटर हो सकता है, बट दे आर हार्मलेस स्पिरिट्स। ओके चलो सेकंड पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, वी मीट देम एट द डोरवेज ऑन द स्टेयर्स अलोंग द पैसेजेस दे कम एंड गो, इम्पैल्पेबल इंप्रेशंस ऑन द एयर, अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो। ठीक है, तो बोल रहा है कि हम उनसे हमेशा मिलते ही रहते हैं, ठीक है, माने हमारा उनसे एनकाउंटर होता ही रहता है घर के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस में। कभी हम उनसे डोरवे में मिल जाते हैं, कभी हम उनसे स्टेयरकेस में मिल जाते हैं, ठीक है, कभी हम जो पैसेज है वहां पर हम दोनों उनकी स्पिरिट और हम टकरा जाते हैं, ठीक है। इम्पैल्पेबल इंप्रेशन ऑन देयर, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है इनटेंजिबल, जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो स्पिरिट्स है इनका जो प्रेजेंस है वो थोड़ा सा इनटेंजिबल है, ठीक है, यू कैनॉट सी देम, यू कैनॉट टच देम, बट यू कैन फील देम कि वहां पर कोई इनका प्रेजेंस है थोड़ा सा एयर के अंदर में। व्हेन एवर यू कम अक्रॉस दिस घोस्टली क्रीचर्स, आपको ऐसा लगता है कि देर इज समबडी अराउंड, ठीक है, कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंस है, बट आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते एटमोस्फियर में, बट यू कैन फील देम, ठीक है। आपको लगेगा सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो, आपको लगेगा कुछ ना कुछ है जो आपके संग आगे पीछे घूम रहा है, देर इज अ फीलिंग ऑफ मूवमेंट और एक्टिविटी, माने वहां पे ऐसा लगेगा कि देर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट मूविंग बैक एंड फोर्थ। समय में आ गया बात को? किसी को कोई प्रॉब्लम दो पैराग्राफ तक? ओके लेट्स गो फॉर द थर्ड पैराग्राफ। देर आर मोर घोस्ट, देर आर मोर गेस्ट एट टेबल देन द होस्ट इनवाइटेड। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, क्या बोल रहा है, देर आर मोर गेस्ट ऑन द टेबल देन द होस्ट इनवाइटेड, इसका क्या मतलब हुआ, एनीबॉडी कैन मेक इट आउट? यार इसका मतलब हुआ कि घोस्ट आपके साथ बैठ के खाना खा रहा है हाँ, लेकिन क्या यार बोल रहा है, देर आर इसमें। मोर गेस्ट एट टेबल देन द होस्ट इनवाइटेड, माने होस्ट ने अपने दो फ्रेंड को बुलाया था कि आओ संग में खाना खाते हैं डिनर के, लेकिन डिनर पे दो नहीं है, कम से कम 10 है वहां पे, क्योंकि दादा भी आ गए, दादी भी आ गए, उनके भी सीनियर, तो माने घर में बहुत सारे होस्ट है। अच्छा देखो, हम लोग के जमाने में तो क्या है, सब लोग न्यूक्लियर फैमिली है, और हम लोग की तो आजकल फैमिलीज को बहुत माइग्रेट करना पड़ता है जॉब के कारण एंड बेटर फैसिलिटीज के कारण, लेकिन पहले के जमाने में आज से 100 इयर्स 200 इयर्स के पहले तो माने एक घर बनता था, उसके अंदर उन लोग का पूरा माने उनका पूरा माने जितना भी डायनेस्टी है सब उसी घर में रहता है ना। अगर तुम राजा लोग को देखेगा तो उनकी तो माने दादा का दादा भी उसी घर में रहता। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब आप किसी को इन्वाइट करते हो खाने पे, है ना, तो जितने जन को आपने इन्वाइट किया उससे ज्यादा घर के घोस्ट वहां पर होते हैं टेबल के ऊपर, ठीक है। द यार वो इल्यूमिनेटेड आदमी का घोस्ट नहीं होगा, मतलब जो आदमी का गेस्ट बुला है, जो गेस्ट आया है उसका घोस्ट नहीं होगा वहां पे। उसका घोस्ट क्यों होगा, तुमने तो दूसरे के घर में बुलाया ना, वो तो घोस्ट अपने ही घर पे होगा। तुम्हारे दादाजी का घोस्ट तुम्हारे दादाजी घर में होगा, पड़ोसी घर में होगा? हाँ, तो अगर पड़ोसी के घर में जाएंगे तो उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश नहीं आएंगे, उनको डराएंगे ही, वो अपने घर में खुशी से रहेंगे ना, अपने घर में थोड़ा डराएंगे अपने पोते अपने पोती को ना, अपने ग्रैंड सन को। तो यहाँ पर बोल रहा है बेसिकली कि अगर आप किसी को अपने टेबल पे बुला, अपने होस्ट किसी को पार्टी पे बुलाते हैं तो वहां पर स्पिरिट्स ज्यादा होंगे और जो गेस्ट है वो कम होंगे। समझ में आ रही बात को? कहने का मतलब ये है कि उनका प्रेजेंस है पूरे घर, ठीक है। द इल्यूमिनेटेड हॉल इज थ्रॉन्ग्ड विद क्वाइट इनऑफेंसिव घोस्ट As silent as the pictures on the wall, the illuminated hall, ठीक है। अब यहां पर एक आयरनी दिखा रहा है, इल्यूमिनेटेड हॉल का मतलब क्या है कि माने हॉल को एकदम लाइट, पूरा लाइट से, क्योंकि कोई पार्टी चल रहा है वहां पे, तुमने किसी को इनवाइट किया है तो तुम हॉल के अंदर में पूरा लाइट जला दो, इल्यूमिनेट कर दे रहे हॉल, ठीक है। लेकिन वहां पर डेडली घोस्ट लोग हैं, ठीक है। जनरली घोस्ट को डार्क से बताया जाता है कि डार्क डार्क प्रेजेंस होता है घोस्ट का, तो यहाँ पर बोल रहा है जानबूझ के हम लोग हॉल को थोड़ा लाइटली लाइट कर देते हैं जिससे वो जो घोस्ट का इम्पैक्ट है वो कम हो जाए, ठीक है। लेकिन द हॉल इज ब्राइटली लिट, पॉसिबली सजेस्टिंग अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द वार्मथ ऑफ द लिविंग एंड साइलेंट प्रेजेंस ऑफ द डेड, कि वहां पर डेड भी है माने वहां पर अंधेरा भी है क्योंकि डेड बॉडीज है, लेकिन हॉल को हम लोग ने इल्यूमिनेट कर दिया टू ब्रिंग द वार्मथ, कि लोग डरे नहीं इसके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि डार्क भी है
और लाइट भी हम लोग करते हैं। इसी के लिए हम लोग घर में, तुम जानते ना जनरली तुम देखेगा कि हम लोग जब रात को घर में अंधेरा कर देते हैं तो हम लोग को डर लगने लगता है ना, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तो एक्चुअली मेक सेंस ना, क्योंकि डार्कनेस में तो, क्योंकि जो डार्क वर्ल्ड है ना, जो जो स्पिरिट का वर्ल्ड है वो डार्क ही है, तो डार्क वर्ल्ड एंड डार्कनेस में अगर आप रहेंगे तो आपको थोड़ा डर लगेगा। इसी के लिए लाइट बहुत जरूरी है। लाइट इज लाइक कॉन्ट्राडिक्ट करता है, आयरोनिकल है वो, थोड़ा सा ऑपोजिट है डार्कनेस की। अंडरस्टूड? तुम देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रात को अंधेरे में नींद नहीं आता, वो रात को लाइट जला के सोते हैं ना। यू मस्ट हैव मेट पीपल लाइक दैट। तुम में से किस किस को डर लगता है रात को? किसी को नहीं लगता, सब यहीं पे बहादुर शाह जफर सब यही है, मेरे पास ये सब बहादुर लोग यही है। हाँ, किसी को नहीं डर लगता है? जूली, नो फियर ऑफ गोस्ट, क्या बात है, चलो वेरी गुड। लेकिन यहां पर बोल रहा है दिस इज थ्रॉन्ग विद क्वाइट एन इनऑफेंसिव घोस्ट। लेकिन यहाँ के जो घोस्ट है वो इनऑफेंसिव है, ठीक है, हार्मलेस, ठीक है। दे आर एज हार्मलेस एज साइलेंट एंड एज साइलेंट एज द पिक्चर ऑन द वॉल। जैसे हम लोग की दादाजी की पिक्चर लगी रहती है वॉल पे और जो पिक्चर है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वैसे ये जो घोस्ट है ये बिल्कुल क्वाइट है, मोशनलेस है, और ये हम लोग को कभी भी हर्ट नहीं करेंगे। देर आर इनऑफेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैनोट सी द फॉर्म्स आई सी नॉर हियर द साउंड आई हियर, ही बट परसीव वॉट इज वाइल अन टू मी ऑल दैट हैज बिन इज विजिबल एंड क्लियर, ठीक है। तो बोल रहा है जो यहां पर एक्चुअली बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को पता है, जो पोएट है वो बता रहा है मेरे को पता है कि इन घोष का प्रेजेंस है, ठीक है, लेकिन जो आदमी मेरे घर पे आया है, जो मेरा गेस्ट आया है, उसको इस प्रेजेंस के बारे में बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। तो द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैनोट सी, अब हम और रात को ठंड है तो हम लोग फायर साइड में बैठे हैं, ठीक है, तो उस स्ट्रेंजर को समझ में नहीं आ रहा कि उसके सामने दादाजी बैठे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैं उसको फील कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को मेरे घर में जो फॉर्म्स दिख रहे हैं या जो साउंड मैं सुन रहा हूँ वो खाली पोएट सुन सकता है, ठीक है, लेकिन वो जो गेस्ट है उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। बोल रहा है द आउटसाइडर ओनली पर ही बट परसीव व्हाट इज व्हाइल अन टू मी ऑल दैट हैज बीन इज विजिबल एंड क्लियर। तो यहां पर बोल रहा है कि जो गेस्ट आया है उसको खाली ये फिजिकल वर्ल्ड में जो है वो दिखता है, माने उसको टेबल दिखेगी, चेयर दिखेगा, जो इस फिजिकल वर्ल्ड में है उसको वो दिखता है, पर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है वो उसको नहीं दिख रहा है, जबकि मेरे को क्लियरली दिख रहा है। कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि वो बहुत बहुत क्लोज है स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे, तो वो अपने सब गेस्ट, अपने सबने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनका प्रेजेंस फील कर सकता है, पर जो उनका गेस्ट है ऑब्वियसली वो तो क्लियर नहीं है, उसको तो खाली प्रैक्टिकल वर्ल्ड दिख रहा है। जैसे लेट मी एक्सप्लेन टू यू, जैसे तुम लोग अभी रूम में बैठे हो तो तुम लोग को रूम में क्या दिख रहा है? तुम लोग का बेड दिख रहा है, तुम लोग का मिरर दिख रहा है, तुम लोग का टेबल दिख रहा है, तुम लोग को थोड़ा दिख रहा है कि उस रूम में कोई बैठा है, कोई घोस्ट बैठा है या नहीं बैठा है, तुम लोग को तो नहीं दिख रहा है कि नहीं? आई डोंट मीन टू स्केयर यू पीपल, पता लगा कि तुम लोग आज रात को अपने कमरे में नहीं गया डर के मारे कि वहां पर कोई है, ठीक है, तो ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, दीज आर घोस्ट, फ्रेंडली घोस्ट, ओके, समझ मेरी बात को? चलो नेक्स्ट, लेट्स गो नेक्स्ट पैराग्राफ। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक अभी? ओके, बोला वी हैव नो टाइटल डीड्स टू हाउस और लैंड्स, ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्ली डेट्स फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स एंड होल्ड इन मॉटमिन स्टिल देयर ओल्ड एस्टेट्स। ओके, नाउ यहां बोल रहा है वी हैव नो टाइटल डीड्स टू हाउस और लैंड्स का मतलब ये है कि लीगली हो सकता है ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअली देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे अभी किसी ने ट्रांसफर नहीं किया, ये मेरे उसी परदादा की प्रॉपर्टी है ना, जिसने इनको बनाया था, उसके बाद उनका बेटा यानी कि मेरे दादा, उसके बाद मेरे पापा और उसके बाद मेरी है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी अभी तक मेरे पास नहीं आई है, कोई ट्रांसफर या टाइटल डीड मेरे पास नहीं आया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हो सकता है लीगल वर्ल्ड में तुम्हारे नाम पर हो गई हो, ठीक है। बोला जो पुराने ओनर और पुराने ऑक्यूपेंट्स है ना, जिनका जो यहाँ पर पहले रहते थे, प्रीवियस ओनर और जो यहाँ पर रहते थे, वो लोग फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स, उनको आपने किसी ग्रेव में बरी कर दिया है लेकिन वहां से भी उनका हाथ आ रहा है और क्लेम कर रहा है कि ये घर मेरा है, ये घर तुम्हारा नहीं है, ठीक है। वो अभी भी उस ओनरशिप, उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना हक जमाते गया है, तो कल आया रे मेरे पापा ने बनाया था ये घर, और उसके बाद मेरे पापा ने मुझे दिया, फिर मैंने अपने बेटे को दिया, फिर मेरा बेटा का तू बेटा है,
तो तेरी प्रॉपर्टी नहीं हुई है ये, समझ आ गया, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा अभी भी इस पे राइट है। तो उन लोग अभी भी उसके अंदर अपना राइट्स है उनका, वो लोग को आपने पता नहीं कौन से बरियल ग्राउंड में आपने उनको क्या नाम है बरी कर दिया है, आप भूल भी गए हो कि उनकी क्या नाम है वेर इज देयर बरियल डन, लेकिन वो लोग अभी भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तो वर्ड है मॉटमेन, मॉटमेन का मतलब लिख लो, एक तरह से लिख लो सब लोग अपने बुक में, दैट बेसिकली मीन्स परपेक्चुअल ओनरशिप। ठीक है, और कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी बाय अ रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, परपेक्चुअल ओनरशिप। अब परपेक्चुअल ओनरशिप का मतलब ये होता है कि पूरी माने आने वाले टाइम पर भी ये एक ही जन का ओनरशिप होगा। ये जनरली हम लोग की जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है या जो मंदिर होता है, मंदिर का ट्रस्ट होता है, वो मंदिर किसी का नहीं होता, वो उस ट्रस्ट का होता है, उस रिलीजन का होता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी चर्च है वो क्रिश्चियनिटी का ही होगा, कोई मॉस्क है तो वो इस्लाम माने मुस्लिम लोग का ही होगा, ठीक है, सिनेगॉग है तो जूस लोग का ही होगा। तो वो माने लोग आएंगे लोग चले जाएंगे, पर उन्हीं की सोसाइटी का प्रॉपर्टी वो होगा, तो उनका परपेक्चुअल ओनरशिप होता है उसके अंदर ट्रस्ट का, तो उसी को मॉटमैन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि वो जो घोस्ट जिन जो हमारे अर्लियर स्पिरिट्स हैं, ये प्रॉपर्टी उनकी है और परपेक्चुअली उनकी रहेगी, यहाँ पर कोई भी ट्रांसफर डीड नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी किसी को पास ऑन नहीं होगी। कल को जब मेरा डेथ हो जाएगा तब मैं भी इसके ऊपर में अपना क्लेम करूंगा। अंडरस्टूड? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट। द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट्स लाइक एन एटमोस्फियर एंड एवरीवेयर वॉक थ्रू दिस अर्थली मिस्ट एंड वेपर डेंस अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर इथेरियल एयर। ठीक है, तो बोल रहा है द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट्स लाइक एटमोस्फियर। बोल रहा हम लोग को क्या लग रहा है कि हम लोग सेंस वाले वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, हम लोग को सेंस है, वी आर अलाइव, ठीक है, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड जो है ये इस सेंस वाले वर्ल्ड में माने अलाइव वर्ल्ड जिसको हम मानते हैं अलाइव वर्ल्ड, उसके ऊपर एक एटमोस्फियर की तरह छाया हुआ है और हर जगह है, एवरीवेयर द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज देयर। ठीक है, तो द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज परवेसिव, परवेसिव माने प्रेजेंट ऑल एवरीवेयर। ठीक है, जैसे हम लोग जो सांस लेते हैं ना, जो ब्रीथ करते हैं, उसके अंदर भी हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी स्पिरिट। देखो एक तरह से ये फीलिंग बहुत अच्छा है कि आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपके आसपास में रहते हैं। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, मतलब अगर आप इस माने बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग को स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं ना, बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग के हिंदू लोग के धर्म में ऐसा बोला जाता है कि जैसे सब जगह हर धर्म में होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे क्या बोलते हैं ना पित्तर साहब आते हैं, पित्तर, हैव यू हर्ड द वर्ड पित्तर, या किसी को माने हैव यू हर्ड जूली, हैव यू हर्ड अबाउट पित्तर, पित्तर होते, पित्तर समथिंग, हैव यू हर्ड दैट वर्ड मधुर, हैव यू हर्ड? खैर ऐसा बोला जाता है कि क्या नाम है, जो हमारे गुड स्पिरिट्स होती है ना, हमारे जो एंसेस्टर्स है उनकी जो गुड स्पिरिट्स है, वो एक्चुअली देव बन जाते हैं, या वो लोग क्या नाम है एंजल्स बन जाते हैं, और हमेशा अगर हम उनके संग प्रेयर करें तो वो हमका हेल्प करने आते हैं, है ना। वैसे ही तुम देखेगा मुस्लिम वर्ड्स में भी जो मजार होती है ना, एज फार एज आई नो, नाशिर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मजार होती है वो मजार होती है, जो अच्छा आदमी होता है उनकी डेथ हो जाती है तो उनका मजार बनाया जाता है ना, नासिर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट आई एम, है यस सर, ना। तो यस सर, मजार इज अ बरियल प्लेस ऑफ अ वेरी गुड स्पिरिट, है ना, जो अच्छे थे और वो बहुत लोगों का भला करते हैं, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि मजार के जो बहुत अच्छी स्पिरिट थी, वो अच्छी जिंदगी जी उन्होंने, और वो डेथ के बाद भी लोगों को ब्लेस करते हैं, लोगों का हेल्प करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी स्पिरिट भी हमारे संग रहती है, ठीक है, वो हमारे संग फ्लोट करती है एटमोस्फेयर के अंदर में। ठीक है, तो वो जो वॉट थ्रू दिस अर्थली मिस्ट एंड वेपर डेंस, द स्पिरिचुअल रेम परमिट्स टू द डेंस मटीरियल वर्ल्ड, बोल रहा है कि उनकी जो आत्मा है वो इस एटमोस्फेयर के अंदर में मिल जाती है। ठीक है, जो वाटर वेपर है या आपका जो पोल्यूशन है या आपकी जो भी गैस है, उसके अंदर वो स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है, जो स्पिरिट्स है, वो भी इस मटीरियल वर्ल्ड के अंदर मिले हुए हैं। ठीक है, अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर एथीरियल एयर। ठीक है, एथीरियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लाइट, लिख लो एक्सट्रीमली लाइट। तो बोल रहा है ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो सोल है ना, स्पिरिट है, वो मोर रिफाइंड है, सटल है, मतलब ये जो एटमोस्फियर है ना, इसके अंदर एक लेयर ऐसा है, बहुत ही लाइट लेयर है, जो कि स्पिरिट्स का लेयर है, अंडरस्टूड। और वो हमारे को ऐसे घेर के रखा हुआ है जैसे हम लोग को एटमोस्फियर घेर के रखा है, अंडरस्टूड। आई रियली बिलीव कि ये जो पोयम है ये क्लास 10 के बच्चों के लिए थोड़ा सा अर्ली है,
तुम लोग को ये पोयम का रियल डीप मीनिंग समझ में नहीं आएगा, तुम लोग के लिए थोड़ा बोरिंग भी होगा, तुम लोग इसके संग रिलेट भी नहीं कर सकता। आई रियली विश कि ये पोयम क्लास 12 में होता, पर तुम लोग को दे दिया है हॉन्टेड हाउस। और इसका तुम लोग को ना बहुत ही माने खाली बुक वैल्यू के ऊपर ही तुमको समझना है, डीप जाने का तुम लोग को जरूरत नहीं है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर आएंगे बहुत ही बेसिक टाइप के तुम लोग को दिया जाएगा। वो जो बने एक तो इसके अंदर जो होता है ना, क्या नाम है, एक एक स्पिरिचुअल व्हाट यू से काइंड ऑफ थॉट जो है वो तुम लोग को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो पोयम है ये तुम लोग के अभी इट्स लाइक वे बियॉन्ड योर थिंकिंग। तुम लोग छोटे बच्चे हो, तुम लोग के ये पोयम अभी रिलेट नहीं करता तुम लोग के ऊपर में ये पोयम, ठीक है। खैर एनीवेज ओके, तो यहां तक तुम लोग समझो कि हमारी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो इस वर्ल्ड के अंदर में मिक्स है, उनका प्रेजेंस है एटमोस्फेयर के अंदर। ओके चलो लेट्स गो टू सर, द व्हाट नेक्स्ट। इज द मीनिंग ऑफ सर इथेरियल मीन्स? एथीरियल का मतलब होता है एक्सट्रीमली लाइट, हल्का। तो वो जो स्पिरिट्स है ना, उनकी जो स्पिरिट्स जो है, सोल जो है, बहुत ही लाइट है। तो माने इस पूरे एटमॉस्फेयर में हम लोग को पढ़ाया था ना कि भैया 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है ना, उसके अंदर कहीं 0.0% स्पिरिचुअल एयर भी है, स्पिरिट्स लोग का भी है, दैट इज एक्सट्रीमली लाइट, कहीं ना कहीं उनका भी मिक्स है यहाँ पर, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पर बेसिकली इस पैराग्राफ में जो बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारी इस लाइफ में किस तरह का जीवन है, ठीक है। बोला आर लिटिल लाइव्स आर केप्ट इन इक्विपॉइज बाय ऑपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम लोग का ये जो लाइफ है ना, आर लाइव्स आर बैलेंस्ड, माने हम लोग की लाइफ को बैलेंस में रखा गया है बाय कंफ्लिक्टिंग डिजायर एंड इम्पल्स। हमारी लाइफ के अंदर में बहुत सारे डिजायर होते हैं, बहुत सारे इम्पल्स होते हैं, ठीक है। द डिजायर फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन एंड डिजायर फॉर हायर गोल्स एंड एस्पिरेशंस। देखो हम लोग को बचपन से क्या सिखाया गया, हम लोग को बचपन से ये सिखाया गया कि बेटा अच्छे से पढ़ो तो कैरियर बनेगा, ठीक है। कैरियर बनेगा मतलब तुम पैसा कमाओगे, ठीक है। पैसा कमा के क्या होगा, पैसा कमा के हम लोग को मटीरियलिस्टिक बनाने की कोशिश की जाती है कि हम लोग थोड़ा देखो मम्मी पापा बचपन में क्यों बोलते हैं पैसा कमाने, पैसा कमा के क्या होगा, पैसा कमा के घर खरीदेंगे बढ़िया सुंदर, गाड़ी खरीदेंगे बड़ी मर्सिडीज, एक अच्छे घर में रहेंगे, सेंट्रलाइज्ड एसी होगा, बड़ा सा बंगलो होगा, है ना। तो ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज हमको बचपन से सिखाई जा रही है, लेकिन उसके संग हम लोग का एक तो स्कूल में क्लास होती है जिसको बोलते हैं मॉरल साइंस, ठीक है। और मॉरल साइंस क्या बोलता है, लोगों से झूठ मत बोलना, हमेशा ऑनेस्ट रहना, लोगों की सेवा करना, है ना, जो जो क्या नाम है, जो किसी का फायदा मत उठाना। अब तुमको लगता है इस दुनिया में ये दोनों चीज को एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब तुम अपना मटेरियलिस्टिक भी पूरा कर लो और स्पिरिचुअली भी तुम बड़े आदमी हो जाओ? डोंट यू थिंक दिस इज कंफ्लिक्टिंग थॉट्स, यस सर, है ना। अगर तुम एक बच्चे को मटेरियलिस्टिक होना सिखा रहे हो तो फिर उसको तो क्लियर बोलो भैया तुमको जो अपॉर्चुनिटी मिले वो लेना है, तुमको सोचना ही नहीं है किसी का, क्योंकि अगर तुम दूसरे के बारे में सोचने में लग जाओगे तो शायद तुम उतने सक्सेसफुल नहीं होगे, है ना। तो अब मैं ये मत बोलना कि ये सर कुछ बोल रहे, मैं एक तो जस्ट तुम लोग को इसी के लिए मैं बोल रहा था कि ये तुम लोग के लेवल का पोयम नहीं है, थोड़ा सा मेरे को बड़ा होता कुछ, थोड़े तुम लोग क्लास 12 में होता तो तुम लोग इसको ज्यादा बेटर समझ सकता, है ना। तो अभी जो बच्चे हैं ना वो एक्चुअली बड़े कंफ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं है कि मुझे किस तरह का इंसान बनना है, मुझे पूरा एकदम माने अपनी करियर पे फोकस करना है, मुझे अपने बारे में सोचना है कि मुझे माने लव दाई नेबर भी करना है, अंडरस्टूड। सो दिस इज अ कंफ्लिक्टिंग थॉट। और एक्चुअली तुमको नहीं लगता कि हम लोग सब इस जीवन में इसी के कारण फंसे हुए हैं, है ना। और हम लोग यहाँ पर इसी के लिए फंसे हैं ना कि हमको क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है कि हमको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाना है। तो यहाँ पर देखो दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो पूरे मटेरियलिस्टिक हो गए, है ना, जिन्होंने ये मान ही लिया कि हमको बस पैसा चाहिए, दुनिया गया कुछ भी हो हमको मेरा पैसा चाहिए। और कुछ इस दुनिया में लोग हैं जो पूरे स्पिरिचुअल हो गए, इन्होंने दुनियादारी छोड़ के साधु बन गए, है ना, वो एकदम एकदम उन्होंने पूरा फकीर ही बन गए हैं, या वो लोग चले गए हैं कहीं पर हिमालय चले गए तपस्या करने के लिए, उस तरह के भी लोग हैं, है ना। लेकिन अगर तुम देखेगा ऐसे कितने लोग, 80% लोग हम लोग अभी बैलेंस्ड है, ठीक है। मतलब हम लोग के अंदर यही चल रहा है, कंफ्लिक्टिंग डिजायर है, कंफ्लिक्टिंग इम्पल्स है, हम लोग को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, माने हम लोग को अभी के अभी खुशी चाहिए, पैसा अभी मिले अभी इंजॉय करके आ जाओ, ठीक है। और हम लोग कभी ना कभी हायर गोल्स और एस्पिरेशन की भी बात करते हैं, हायर गोल और एस्पिरेशन का मतलब आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड ह्यूमन बींग, है ना, मुझे सबका भला करना है, हम लोग को तो यही सिखाया गया। तो हम लोग के अंदर ये दोनों चीज है, और एक्चुअली इस दोनों चीज के कारण हम लोग कंफ्यूज हैं इस दुनिया में, ठीक है। समझ में आ रही है, दिस इज लिटिल कंफ्लिक्टिंग थॉट, समझ में आया तुम लोग को मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड बिकॉज यू पीपल आर क्वाइट यंग फॉर दिस, लेकिन क्या समझा तुम लोग इससे?
कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्या समझा इससे तुम लोग? जूली व्हाट हैव यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पैराग्राफ? सर ये समझ आता है कि हम स्पिरिट्स के तरह, हमारा जो लाइफ है वो दो चीजें चॉइस दी जाती है, एक तो आप पूरा का पूरा स्पिरिचुअल हो जाओ, यू स्टे बैलेंस, यू एक्चुअली हम लोग मेडिटेट, को यू ये हैव चॉइस, वर्क ये चॉइस जो है ना, एक्चुअली ये चॉइस है, ये हम लोग को ना अटका के रखा हुआ है ना, माने इट इज नॉट मेकिंग अस बिकम अ टोटल मटेरियलिस्टिक पर्सन, है ना, माने एकदम पैसा, माने अगर हम एकदम टोटल मनी के लिए जाएंगे तो हम किस तरह के इंसान बन जाएंगे? हम किसी के बारे में सोचेंगे नहीं, हम खाली अपना ही एडवांटेज देखेंगे, हमको जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम आदमी को दबा देंगे, है ना, आदमी को नुकसान होता है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मुझे मेरा पैसा चाहिए, है ना। तो एक तो वो थॉट हो सकता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू अर्न मनी, आई वॉन्ट टू अर्न मनी, आई डोंट केयर कि सामने वाला मरता है कि नहीं मरता है, कि नहीं। एक ये थॉट हो सकता है आदमी का, अगर उसको उस तरह, अगर वो एक एंगल में सोच, या दूसरा आदमी हो सकता है कि वो पूरा पूरा ही साधु बन जाए, है ना, उसको इस दुनिया से मतलब ही नहीं है, वो उसने सब कुछ त्याग दिया, वो चला गया सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा सर दुनिया बट में? नहीं, एक सेकेंड, क्या ऐसा हो रहा दुनिया में? नहीं, वी आर इन बैलेंस, है ना, हम लोग यहाँ पर इस दोनों चीज में अटक गए हैं, हम लोग को कुछ इस तरह से ब्रिंग अप किया जा रहा है कि हम लोग को पैसा भी चाहिए एंड वी वांट टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो। तो हम लोग का जो लाइफ है अभी बैलेंस में चल रहा है, हम लोग दोनों ही एक्सट्रीमिटी में अभी नहीं है। हाँ यस जूली बोलो। सर डोंट यू थिंक इफ अ पर्सन चूजेस टू बिकम टोटली एंड नो बस पैसा के तरफ और वर्ल्डली और हिज पर्सनल पोजेशंस इफ ही ट्राइज टू अक्वायर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग दैट स्टेज ऑफ सक्सेस वोंट ही हैव दिस फीलिंग कि आई एम हर्टिंग समवन आई मीन दैट इज द नेचर ऑफ अ ह्यूमन दैट इज व्हाट मेक्स अस सेपरेट फ्रॉम अ रोबोट एंड एआई एंड व्हाटएवर इज दैट वी हैव इमोशंस व्हिच कीप्स अस इन बैलेंस दैट both these don't you know both of them do not get unbalanced so I mean I don't get the line it's half says that I don't know if I'm confused or not Oh, but yeah, I know you एक are confused. Let me try and तरफ explain to you. बोल रहा है कि Let me try. either of you Okay, do okay, it okay, okay. Let me try and explain to you. What do you think इस पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग होंगे जो कि मर्डरर्स हैं? Those who have committed murders. What percentage of this total population of the world have committed murders? माने एक्सट्रीम क्राइम, किसी ने किसी को मार दिया, कितना परसेंट होगा? About 10%, 10-11%. ना 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 Now you are confused. 10% में इतने ज्यादा लोग थोड़ी है, माने 10% का मतलब, तुम्हारा कहने का मतलब है जैसे खाली इंडिया में 140 करोड़ है ना, तो तुमको लगता है 14 लाख लोग मर्डरर्स हैं इंडिया में? Never know, to be नहीं नहीं honest. नहीं We नहीं मर्डरर्स का never बात कर रहा हूं मैं, know स्ट्रेट anything. अवे, जिन्होंने एकदम हार्ड कोर मर्डर किया, नॉट किलिंग चिकन्स, ओके, नॉट किलिंग गोट्स, किलिंग मैन, Yeah, okay. दोज विल बी लाइक 0.01%, ठीक है। तुम ऐसा देख लो ना, इंडिया में कितना जन लोग को फांसी होता है, इंडिया में या वर्ल्ड वाइड में कितना इनको कैपिटल पनिशमेंट होता है? इंडिया में तो कैपिटल पनिशमेंट बहुत ही रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में कैपिटल पनिशमेंट होता है, माने जिसमें बहुत हीनियस क्राइम किए, तो देयर आर 1% से भी कम, 0.01% पीपल हु हैव डन हीनियस क्राइम्स, ठीक है, जिनको मारा जाता है, माने एकदम हीनियस, एकदम माने लाइक रेयर, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस। और कितने परसेंट लोग हैं जो एकदम हार्ड कोर अमीर है, माने उन्होंने अमीर अमीर बनने के चक्कर में अपने मम्मी पापा को भी नहीं छोड़ा, माने अगर उनको अपनी मम्मी पापा से अपॉर्चुनिटी लेनी थी तो उन्होंने वो भी किया, उनका भी परसेंटेज 0.01% होगा, है ना। तो ये दोनों एक्सट्रीम केस तो बहुत कम है, तो बाकी सब लोग कहाँ है? बाकी सब अटके हुए ही तो है, बाकी सब तो बैलेंस्ड ही है ना, बाकी सब तो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, तो हमारी लाइफ बैलेंस्ड ही है, क्योंकि तो हम लोग कर ही नहीं सकते वो, हम लोग किसी भी एक्सट्रीम में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग का लाइफ बैलेंस्ड है ना, डिजायर एंड इम्पल्स में तो खो, बाकी बाकी जितना परसेंट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो तो कंफ्यूज ही है, अंडरस्टूड? थोड़ा सा है ना, हाँ, आई डिफरेंट नो इट्स लिटिल डिफरेंट, खैर चलो आगे बढ़ते हैं। दिस पर्टर्बेशंस मतलब होता है टर्मोइल, लिख लो, डिस्टर्ब से आया, डिस्टर्बेशंस, पर्टर्बेशंस, एंड दिस परपेक्चुअल जार, ठीक है, ऑफ अर्थली वॉन्ट्स एंड एस्पिरेशंस हाई, ठीक है, नाउ बोल रहा है, दिस डिस्टर्बेंस, दिस ऑनगोइंग कंफ्लिक्ट, या ऑनगोइंग कंफ्लिक्ट मतलब बीइंग गुड, माने बीइंग रूथलेस
एंड बीइंग एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। तो ये जो डिस्टरबेंस है, ये जो टर्मोइल है, और ये चलता रहता है परपेक्चुअल, जार मतलब हायर गोल्स का जो डिस्टरबेंस है, ठीक है। ऑफ अर्थली वॉन्ट्स एंड एस्पिरेशन हाई, अर्थली वॉन्ट्स का मतलब जो इस मटीरियलिस्टिक वॉन्ट्स है, और एस्पिरेशन हाई का मतलब हो गया स्पिरिचुअल एंड की तरफ से, ठीक है। ओके, बिटवीन मंडेन डिजायर एंड लॉफ्टी एम्बिशंस। मंडेन मतलब बोरिंग, ठीक है, माने हम लोग या तो मटेरियलिस्टिक में अटके गए हुए हैं या स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर अटके हुए हैं। कम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अनसीन स्टार। अब देखो इसमें लोग एक और एंगल लेकर आ रहा है, बोला ये जो कंफ्लिक्ट है ना, ये हम लोग सेलेस्टियल बॉडी या किसी बियॉन्ड एलियन या किसी सुप्रीम पावर के कारण हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं इस कंफ्लिक्ट, ठीक है। हम लोग का क्लैरिटी ऑफ थॉट हो ही नहीं रहा, ठीक है। अरे अगर अगेन इसके अंदर में बहुत सारे थॉट ऑफ स्कूल है, और आप इसको बहुत तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं अलग 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 तरह से। तो बोरा हम लोग जो इस अर्थली वर्ल्ड में है ना, ये इसके लिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ सम प्लानिटरी मोशन या कोई हायर बींग सुपीरियर, किसी भगवान चाहता है कि तुम अर्थ पे रहो, ठीक है। और यहाँ बोलते ना, इस यहाँ पर रह के यहाँ के स्वर्ग और यहाँ के दुख और सुख को तुम एक्सपीरियंस करो, ठीक है, इस माया जाल में फंसे रहो और यहाँ से निकलो। तो ये जो कंफ्लिक्ट में हम लोग हैं, इसको कोई सुपीरियर बीइंग कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, कोई सेलेस्टियल बॉडी इसको कंट्रोल कर रहा है जो ह्यूमन के परसेप्शन या सोच से दूर है, ठीक है। एन अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इन अ स्काई, माने हो सकता है यहाँ पर एक ऐसी चीज है, जैसे वो जो गॉड हम जिसको बोलते हैं, जिसको आज तक हम लोग ने डिस्कवर नहीं किया। तो हम लोग का ये जितना भी परेशानी है कि हमको मटेरियलिस्टिक बनना है या एस्पिरेशनल या हमको अच्छा बन रहा है, कोई इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई सुपीरियर पावर जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलो ये दो पैराग्राफ है, इसको मैं थोड़ा जल्दी करूं बिकॉज टाइम इज लिटिल लेस, ठीक है। एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोस ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट अक्रॉस हुज ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स आर फैंसीज क्राउड इन टू द रिल्म ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट। तो बोरा एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड, बोरा जैसे जो मून होता है ना, वो कभी कभी रात को क्लाउड्स के पीछे छुप जाता है, ठीक है, और जब वो छुप जाता है तो एक ब्रिज ऑफ लाइट ओवर द सी, तो तुम देखिएगा सी के ऊपर में ऐसे व्हाइट रंग का रोशनी बन जाता है क्योंकि तो नीचे आ गया क्लाउड और उसके साइड से लाइट निकलता है, ठीक है। वहां पर इमेजिन वेयर आर इमेजिनेशन गैदर एंड वॉन्डर इन टू द मिस्टीरियस एंड डार्क अननोन। माने कहने का मतलब ये है, समझो इसको कुछ इस तरह से कि मान लो ये हम लोग का मून है, ठीक है, लेट मी ट्राई एंड ड्रॉ इट फॉर यू पीपल। ओके, ये हम लोग का मून है सपोज कर लो, ठीक है, और यहां पर उसके नीचे, हमारे मून के नीचे में डार्क क्लाउड्स आ गए, ठीक है, लेकिन मून की लाइट जो है वो यहां से निकल रही है और यहां से निकल रही है, स्प्रेड हो रही है, बट वी कांट सी द मून, वी कांट सी द मून बट वी कैन सी द लाइट ऑफ द मून, ठीक है, ठीक है। तो एंड क्या बोल रहा है, एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोज ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट अक्रॉस उस ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स आर फैंसीज क्राउड इन टू द रिल्म ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट। तो हम लोग जब इस तरह की रात देखते हैं ना, तो हम लोग को ये बहुत ही मिस्टिक लाइट दिखती है ना, कि अचानक बने मने एक तो अजीब टाइप की रोशनी होती है, अंधेरा भी होता है और लाइट भी होता है, और हम लोग एक अलग वर्ल्ड में चले जाते हैं। माने वी आर सीइंग अ नेचुरल फिनोमिना विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इंटरप्रेट। हम लोग बता नहीं पा रहे क्या हो रहा है, ये लाइट कहाँ से आ रहा है, ठीक है। सो उसी तरह से ये जो फाइनल पैराग्राफ है, ये इसी का मेटाफर है। सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स डिसेंड्स अ ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्टिंग इट विद दिस ओवर हुज अनस्टेडी फ्लोर दैट स्वेज एंड बेंड्स वॉन्डर आर थॉट अबव द डॉग डार्क एबिसेस, ठीक है। तो बोल रहा है जैसे जो मून की लाइट है वो कहाँ से आ रही है हम लोग को नहीं समझ में आता है, सिमिलरली अ ब्रिज कनेक्ट्स द फिजिकल वर्ल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट। ऐसे ही हमारे और हमारे एंसेस्टर्स के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है, एक ब्रिज है, दैट लाइट है दैट कनेक्ट्स द स्पिरिट वर्ल्ड विद द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। जो हम जैसे मून को अर्थ के संग कनेक्ट किया गया है जबकि मून छुपा हुआ है क्लाउड्स के पीछे, वैसे ही हमारा वर्ल्ड भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, लेकिन कैसे कनेक्टेड है वो हम लोग को नहीं पता, वहां एक ब्रिज है वो अननोन है जो हमको नहीं पता, ठीक है। बोल रहा है मेटामॉर्फेलिकली, बोल रहा है ओवर हुज अनस्टेडी फ्लो दैट स्वेंस एंड बेंड। और ये जो कनेक्शन है ना वर्ल्ड का, माने अननोन वर्ल्ड का और नोन वर्ल्ड का,
ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है, कोई नहीं बता सकता कि हम उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। आर थॉट्स एंड परसेप्ट्स ट्रांसवर्स द बाउंड्री बिटवीन द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल रेम्स, होवरिंग अबव द अननोन डेप्थ्स। अब यहां पर बोल रहा है कि हमारा जो थॉट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड को लेके, जो हमारे परसेप्शंस हैं, हम जो सोचते हैं भूतों के बारे में या घोस्ट लोग के बारे में, ठीक है, वो चेंज होता रहता है, उसका डेप्थ किसी को नहीं पता। कुछ लोग हैं जो उस वर्ल्ड में चले जाते हैं, उसको समझते हैं, 99% लोग हैं जो उसको समझते नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारा नेचुरल फिनोमिना हम लोग को समझ में नहीं आता, वैसा ही हम लोग का रिलेशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के संग क्या है वो हम लोग को समझ में नहीं आता। लेकिन पोएट ये बोलना चाहता है देयर इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और वो ये बोलता है कि अच्छा वर्ल्ड है विच इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस, ठीक है। समझ मारी बात को? ये मीटिंग अभी ओवर हो जाएगा, यू पीपल कम बैक आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। मैं तुम लोग को फिर से लिंक भेजूंगा और फिर हम लोग और डिटेल में इस पोएम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मुझे मालूम है तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो वी विल टॉक अबाउट ईच पैराग्राफ एंड योर थॉट्स अगेन इन 10 मिनट्स, ठीक है। तब तक तुम लोग इस पोएम को एक बार पढ़ लो, ठीक है, एक बार रीड कर लो जो